अस्सलाम वालेकुम गाइस, योर इंस्ट्रक्टर इज बैक। ओके, अभी हम वही जून जून बोल रहा हूँ, सॉरी, एनटीएस 2019 का पेपर बायोलॉजी का ये पार्ट टू कर रहे हैं, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, सो ये 101, व्हाट आर ए एंड बी इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। सो दिस इज योर पिक्चर, दिस इज ए, ए इज द पर्पल फ्लावर एंड बी इज फॉर व्हाइट फ्लावर। सो आप देख रहे हैं ये बैंड्स हैं दो, और सेम पोजिशन पर ही है homologous chromosomes पर। ये तो क्या है ये? These are the two alleles of the same gene, right? These are the two alleles of the same gene. तो इसका basically answer हुआ allele and allele. ठीक है, ये भी allele है, वो वाला भी allele है. Allele कहते हैं alternative form of the same gene. A man who has type AB group cannot father a child with type dash blood because he would pass on either dash or B allele to all of his offsprings. अगर AB blood group है father का, तो उसके जो child होगा वो either A होगा या तो B होगा, right? या A pass करेगा या B pass करेगा। अगर mother O भी निकली, अगर mother O group की भी निकली, फिर भी O group जो child होगा वो O group नहीं हो सकता, क्योंकि O recessive है। तो A O B O हो जाएगा, मतलब A group और B group हो जाएगा। It cannot be a child of blood group O. So a man cannot produce a child with blood group O, and he would either pass on the allele for blood group A or B. So O or A aapka answer hai. In addition to smaller hind limb muscle mass, a mutant mini, acha ye muscle nahi hai, mouse hai, theek hai, ye aap zara correct kar de. The in addition to smaller hind limb muscle mass, the mutant mini mouse gene exhibit lower heart rates during physical activity, larger kidneys and livers in mice. This is very good example of dash. Acha, इन्होंने ये कहा है कि एक in addition to smaller hind muscle mass, smaller hind muscle mass एक ऐसा mutant gene है एक mini mouse में कि वो उसका mass भी छोटा कर देता है. In addition to that उसके हार्ट रेट भी कम कर लेता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, उसके किडनीज को भी लार्जर देन नॉर्मल कर लेता है, उनके लिवर्स को भी लार्जर देन नॉर्मल कर लेता है। मतलब चार चार ट्रेट्स को एक साथ एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। ये किसकी एग्जांपल हुई? वन जीन मेनी ट्रेट्स, प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी इज योर आंसर। ठीक है, वन जीन कंट्रोलिंग मेनी ट्रेट्स टूगेदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी। Okay guys, so ab next MCQ kar lete hain, 104, the following results of cross between individuals shown in the picture. Acha, ye aapka ek Punnett square bana hua hai, theek hai, ye ek parent ke genes hain, alleles hain basically, aur ye dusre parent ke alleles hain. Ab dekhen is parent ke paas jo hai na, jo genotype hai wo capital B aur small b hai, aur is parent ke paas jo genotype hai wo small b aur small b hai. Theek hai, ab ye do genotypes ke baad kya hoga? अच्छा, तो इस पेरेंट के जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल बी, मतलब ये पेरेंट जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये वाला हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्यों? डोमिनेंट इसलिए क्योंकि कैपिटल बी है, हेट्रोजाइगस इसलिए क्योंकि दोनों जी एलील्स एक दूसरे से डिफरेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल है। अब देखें इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो आपका एक चाइल्ड जो आएगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी का आएगा, दूसरा चाइल्ड जो आएगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी का आएगा। देखें ये वाला कैपिटल बी जो है ये स्मॉल बी के साथ क्रॉस करके मतलब कंबाइन होकर ये वाला एक एलील बना लेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। तो कैपिटल बी जो है ये स्मॉल बी के साथ कंबाइन होकर ये वाला बना देगा, यही कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कंबाइन होकर ये वाला बना लेगा। ठीक है, अब ये स्मॉल बी जो है स्मॉल बी के साथ कंबाइन होकर ये वाला, एंड ये स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी वाला आ जाएगा। तो रेशो क्या बना? कैपिटल बी स्मॉल बी के दो और स्मॉल बी के दो बने, राइट। टू इज टू टू का रेशो बना, मतलब वन इज टू वन का रेशो बन गया। अच्छा, वन इज टू वन का रेशो बन गया, आप आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर वन कह रहे हैं कि वन दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड अदर हैज अ डोमिनेंट फिनोटाइप बट हैज अ मदर विद रिसेसिव फिनोटाइप। अच्छा, मदर विद रिसेसिव फिनोटाइप हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स में से एक के पास रिसेसिव फिनोटाइप है, बट जरूरी नहीं है, फादर भी हो सकता है। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, हो सकता है कि ये मदर हो, और हो सकता तो मदर है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, अब लेकिन इसके जो शुरू वाले दो बताए ना कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब एक ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस डोमिनेंट क्या कह रहे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट इन दोनों में से कोई भी नहीं है,
ना कैपिटल बी स्मॉल बी वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और ना स्मॉल बी वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो होमोजाइगस रिसेसिव है. तो ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन बी देखें तो वन दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब हाँ ठीक है ये रिसेसिव है, ये रहा, एक एक रिसेसिव है ना ऑफस्प्रिंग्स में से, दोनों में से कोई एक रिसेसिव है. एंड अदर दैट इज दैट हैज अ डोमिनेंट फिनोटाइप, जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप. Yes, ये दूसरा वाला जो है इसका डोमिनेंट फिनोटाइप है, क्योंकि कैपिटल बी है तो मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा. एंड हैज अ मदर दैट इज रिसेसिव फिनोटाइप, यस मदर का फिनोटाइप क्या है, रिसेसिव है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी देख लेते हैं, वन ऑफ द वन दैट होमोजाइगस रिसेसिव एंड अदर इज हैज अ डोमिनेंट फिनोटाइप. होमोजाइगस रिसेसिव डोमिनेंट फिनोटाइप बिल्कुल सही है, बट हैज अ ब्रदर विद अ रिसेसिव फिनोटाइप. ब्रदर क्यों, क्यों ब्रदर क्यों भाई, मदर है मदर नॉट ब्रदर, इट्स मदर. ओके, क्योंकि ब्रदर्स का तो हम देख रहे हैं ना, ब्रदर्स का तो ऑलरेडी वो पहले दो सेंटेंसेस में बोल चुका है. एंड लास्ट वन है वन दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, बिल्कुल सही. एंड अदर दैट हैज अ रिसेसिव फिनोटाइप, नहीं नहीं फिनोटाइप उसका डोमिनेंट है, रिसेसिव नहीं है, तो ये पार्ट गलत है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. गाइज ये वाला पार्ट जो था ना, इस पर मुझे बहुत टाइम लगा था, ये मैंने एंड में किया था. ये मेरा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मैंने कौन सा ऑप्शन मार्क किया था, शायद यही मेरा गलत हुआ था, लेकिन ये था ट्रिकी क्वेश्चन. एक तो उनकी इंग्लिश ही ऐसी थी कि कंफ्यूज कर रहे थे कि ये किस के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये पता कैसे चल रहा है कि ऑफस्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन गाइज ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है आगे चलते हैं. अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने जो है ना जल्दी में करते करते जो है ना गलत कर दिया, हालांकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था. अ क्रॉस बिटवीन अ ब्लैक कैट एंड अ टैन कैट प्रोड्यूसेस अ टैपी पैटर्न. एक ब्लैक कैट को अगर आप एक टैन कैट के साथ क्रॉस कराएंगे तो आपको एक टैबी पैटर्न मिलेगा. टैबी मतलब एक ऐसा कलर जिसमें ब्लैक भी हो टैन भी हो, मतलब ब्लैक और टैन जो है ये दोनों कोडोमिनेंट है, कोडोमिनेंट है ना, तभी जाके आपके पास ये टैबी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तभी एक मिक्सचर बन रहा है आपके पास, टुगेदर बोल रहे हैं, ठीक है. व्हाट परसेंटेज ऑफ किटन्स वुड हैव टैन फॉर इफ द टैबी कैट इज क्रॉस विद अ ब्लैक कैट. अब पूछ के आ रहे हैं ये टैबी जो बना है ना, इसको अगर आप ब्लैक के साथ क्रॉस करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि जो आपके ऑफस्प्रिंग आए ना उनमें से ये टैन कितने होंगे. अब यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी थी, मैंने टैन की जगह उसे टैबी समझ लिया था, फिर उसको मैंने परसेंटेज निकालने की कोशिश की, फिर पता भी नहीं चला, और फिर कोई एक मार्क कर लिया जो कि गलत था. इन्होंने पूछा टैन का है और बोला है कि जब टैबी को मैं ब्लैक के साथ क्रॉस करूंगा. गाइस एक चीज आप याद रखें, जब आप ब्लैक को टैन के साथ करेंगे तो टैबी आएगा, लेकिन टैबी को ब्लैक के साथ करेंगे ना तो टैन नहीं आएगा. टैन तो ऑलरेडी को डोमिनेंट है, वो तो अलग है, वो 0% आएगा आपका, क्योंकि टैन है, टैन तो पेरेंट का फिनोटाइप है ना. टैन और ब्लैक जो है, टैन और ब्लैक जो है वो को डोमिनेंट है. अच्छा तो फिर क्या आएगा. अच्छा फिर मैं बताता हूँ कि क्या आएगा. टैन नहीं आएगा, टैन नहीं आएगा. इनके दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एक तो या तो टैबी आएगा आपके पास और या तो ब्लैक आएगा आपके पास एज एन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, या तो टैबी आएगा या तो ब्लैक आएगा, बट टैन नहीं आएगा. इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ब्लैक का अज्यूम करते हैं कि बीबी है और टैन का अज्यूम करते हैं कि टीटी है, ठीक है, जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन. इनके गैमेट्स बनेंगे तो इसका स्मॉल बी, इसका एक बी होगा एक टी होगा, तो जो आपका टैबी बनेगा उसमें बीटी होगा जीनोटाइप. अब बीटी को आप ब्लैक के साथ दोबारा करें, ठीक है, मतलब बीटी क्या चीज है, बीटी इज योर टैबी. इसको आप जब ब्लैक के साथ करेंगे तो आपके पास आइदर ब्लैक के फिनोटाइप्स आएंगे या तो टैबी के आएंगे, बट टैन नहीं आएंगे, टैन दोबारा नहीं आएगा, दो टी दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है. तो क्योंकि ब्लैक और टैन जब भी आएगा तो वो टैबी तुम्हें देगा, एंड जब ब्लैक अकेले आएंगे तो वो ब्लैक ही आएगा, तो टैन तो आएगा ही नहीं, सही है. तो इसलिए ऑप्शन 0% करेक्ट है, ठीक है. ये समझ नहीं आया तो ये वीडियो रिप्ले करें, लेकिन ये यही आंसर है, 0% ही है, ठीक है. In a laboratory working on a new species of fish, it is found that the fish has two varieties, red and brown. It was determined by another group of scientists in another laboratory that the brown is dominant color in the species. If we have brown fish with us in the laboratory, how can we determine whether it is homozygous or heterozygous for the trait? Test cross yaad hai? Test cross karte hain, theek hai. Inhone keh diya na ki brown jo hai wo dominant hai. Agar brown dominant hai aur red recessive hai to usko aap kya karenge? और रेड अगर रिसेसिव है तो वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तभी जाके रेड होगा, क्योंकि रिसेसिव हेटरोजाइगस कंडीशन में शो होता ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है. अब रेड अगर आपका रिसेसिव है और ब्राउन आपका डोमिनेंट है, तो आपकी जो F1 जनरेशन आएगी उसमें सारे के सारे क्या होंगे, ब्राउन होंगे,
F1 जनरेशन को चेक करके आपको पता चल जाएगा कि अगर सारे के सारे ब्राउन है तो होमोजाइगस होगा, और अगर कुछ रेड है कुछ ब्राउन है तो फिर क्या होगा, हेटरोजाइगस होगा। एक भी अगर रेड आ गया ना तो हेटरोजाइगस होगा, ठीक है, अज्यूमिंग के कोई एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, ठीक है, गिवन दैट अ सैंपल साइज इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो ब्रीड दिस फिश विद अ रेड फिश एंड चेक F1 जनरेशन, आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल marries a normal female, what will be the chances of color blindness in the grandsons if their daughter marries a normal male? अच्छा देखें, color blindness is a recessive sex link recessive disease. अच्छा अगर recessive है तो हम assume करते हैं कि okay, यहाँ मैंने ये cross बनाया हुआ है, इसे मैं दोबारा explain कर लेता हूँ, let me raise this out just a second. ओके रिसेसिव इरेज कर लिया, अब देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का जो अलील है ना वो एक्स एज है, ठीक है, एंड कलर ब्लाइंडनेस का अगर अलील एक्स एज है, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम थियोरी वी नो के इट्स होमोजाइगस रिसेसिव, तो अब कह रहे हैं कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल का मतलब क्या हुआ कि एक्स एज और वाई होगा, ठीक है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस मेल में अगर कोई एक भी अगर एक्स वो वाला कलर ब्लाइंडनेस वाला एलील आ जाएगा तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल नॉर्मल फीमेल है ना, तो चलो अज्यूम करते हैं कि कोई भी फीमेल है, चाहे वो कलर कैरियर है या फिर बिल्कुल प्योर फीमेल है, ठीक है, विदाउट कैरियर, तो ये अज्यूम करते हैं ये वाली फीमेल है, इनकी जो डॉटर बनेगी उसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, अच्छा एक एक्स मदर से दूसरा फादर से, तो मदर वाला जो एक्स एच हो गया, फादर वाला स्मॉल एच वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि फादर कोई और एक्स फादर के पास है ही नहीं, तो यही वाला आएगा। अब ये आपका आपकी इनकी डॉटर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसका जीनोटाइप आपको बिल्कुल कंफर्म है कि ये वाला ही जीनोटाइप है, इसने अब नॉर्मल मेल के साथ शादी की, राइट, तो नॉर्मल मेल का मतलब कि उसके पास एक्स और कैपिटल एच वाला एलील है, अब इनके गैमेट्स बनाए तो एक्स एच Y, फिर एक्स एच, फिर एक्स स्मॉल एच, राइट, अब इनको क्रॉस कराएं तो ये एक डॉटर बनी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, फिर ये कैरियर डॉटर बन गई, राइट, इस एक्स एच को मैंने इस वाले एक्स के साथ क्रॉस कराया, फिर अब ये कैपिटल एच और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ये आपका एक नॉर्मल ग्रैंडसन बन गया, और इसी कैपिटल वाई और स्मॉल एच को अगर आप करेंगे तो अब ये आपका कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन बन गया। अब गौर से देखिएगा, उन्होंने पूछा कि ग्रैंडसन्स की क्या परसेंटेज है, ग्रैंडसन्स में कलर ब्लाइंडनेस का क्या परसेंटेज है, यहां पर ये ट्रिकी पार्ट है, उन्होंने चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन का नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ सन्स का पूछा है, सन्स कितने हैं, दो, दो में से कितने कलर ब्लाइंड है, एक, कितने ठीक है, एक, सो वन आउट ऑफ टू आपके कलर ब्लाइंड है, वन आउट ऑफ टू को आप परसेंटेज करें टाइम्स 100 करें तो 50% हो गया, इसके काफी लोग 25% यहाँ लगा के आगे चले जाते जल्दी में, नहीं ये 50% है, इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जितने भी जेनेटिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्रॉसेस वाले वो एंड में कीजिए, ठीक है, वो जल्दी में आप गलत करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके गाइस, सो अब हम 108 पे चलते हैं। Crossing over is an exchange of genes between dash resulting in a mixture of parental characteristics and offspring. Crossing over क्या होता है भाई, जब दो homologous chromosomes होते हैं, ठीक है, वो दोनों homo, अगर meiosis आपको याद करें तो meiosis में क्या होते हैं, दो homologous chromosomes जब करीब आते हैं तो उनके जो chromatids होते हैं वो crossing over कर लेते हैं, मतलब exchange of segments करते हैं, जिसकी वजह से फिर रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ हुआ क्या है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर ही होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये पेयरिंग होती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है क्योंकि ये क्रोमैटिड जो है ये और ये क्रोमैटिड ये दोनों सिस्टर नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है, हाँ लेकिन ये वाला जो कि लेफ्ट क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड सिस्टर होते हैं लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम्स चाहे वो होमोलोगस ही हों लेकिन उनके क्रोमैटिड्स कभी भी सिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये आपको थ्योरी से पता होना चाहिए। द डी एंड डी एलील्स आर यूज्ड फॉर लाइटर एंड डार्कर स्किन इन ह्यूमंस रिस्पेक्टिवली,
कैपिटल डी डोमिनेंट के लिए होगा, स्मॉल डी रिसेसिव के लिए होगा, एंड दे आर यूज्ड। ठीक है, अब बाय कीपिंग इन व्यू द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ स्किन कलर, स्किन कलर को जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम लाते हैं, मल्टीपल जीन्स उसे कंट्रोल करते हैं, राइट, बहुत सारे जीन्स। तो अब वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ दीज वुड गिव मीडियम कलर स्किन, ठीक है, मीडियम कलर स्किन इन द फॉलोइंग पिक्चर। अच्छा, एडिटिव इफेक्ट होता है, एडिटिव मतलब हर एक जीन का इफेक्ट जो होता है वो एड होके जो है वो फिर स्किन पे नजर आते हैं, राइट। तो जितने ज्यादा ज्यादा जीन्स कोड कर रहे हो उतना ज्यादा कलर पे इफेक्ट आता है। अब इन्होंने कॉलम ए कहा हुआ है, कॉलम ए में अगर आप देखें तो ये सारे ही रिसेसिव हैं। रिसेसिव का क्या मतलब, लाइट स्किन होगी, लाइटर स्किन, तो ए नहीं हो सकता, ठीक है, हमें इंटरमीडिएट स्किन कलर चाहिए। अब बी, रो बी कहा हुआ है, रो हॉरिजॉन्टल रो को कहेंगे, ठीक है, रो बी देख लेते हैं। इस पूरी रो को जीन टू कंट्रोल कर रहा है, इसमें ये दो रिसेसिव हैं, ये दो भी रिसेसिव हैं, और ये वाला भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स रिसेसिव एलील्स हैं, और यहाँ पर देखें तो डोमिनेंट, चार डोमिनेंट एलील्स हैं, तो इसमें सिक्स रिसेसिव फोर डोमिनेंट, ठीक है। अब आगे वाले रो को देख लेते हैं, कॉलम सी को देख लेते हैं, तो सी में अगर आप देखें तीन डोमिनेंट हैं, तीन रिसेसिव हैं, कॉलम मतलब वर्टिकल, तो तीन डोमिनेंट और तीन रिसेसिव का क्या मतलब हुआ कि तीन डार्क कलर वाले हैं और तीन लाइट कलर वाले हैं, तो इससे क्या मतलब हुआ कि यही ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप रो सी को भी देखेंगे ना, रो सी मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल, तो उसमें भी अगर आप देखें तो ये जो स्मॉल डी वाले हैं ये सिक्स हैं और ये कैपिटल डी वाले फोर हैं, मतलब सिक्स रिसेसिव और फोर डोमिनेंट होंगे, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो सेम तो नहीं हो सकता ना आंसर। जो इक्वल होंगे, इक्वल डोमिनेंट और इक्वल रिसेसिव होंगे, दैट्स द आंसर, ठीक है, तो कॉलम सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूल ए इन द फॉलोइंग पिक्चर, इस पिक्चर में मॉलिक्यूल ए हमें कहाँ नजर, अच्छा ये रहा, ये मॉलिक्यूल ए है, ए इस पूरे मॉलिक्यूल को कहा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप गौर से देखें तो डीएनए क्लोनिंग हुई है, यहाँ पर कट किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, डीएनए से कुछ फ्रेगमेंट लिया, और फिर होस्ट डीएनए को भी कट किया गया, और फिर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन दोनों को कट करने के बाद स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, स्टिकी एंड्स को फिर ज्वाइन कर दिया, तो ये इस डीएनए को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर आपको याद हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका आंसर है। 112 देख लेते हैं, अच्छा, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड, ये ए लेवल वालों को काफी अच्छे से पता होगा, इंटर वालों को भी पता होना चाहिए कि देखें इसमें ये जो बैंड्स बन जाते हैं ना, इनको हॉरिजॉन्टली मैचिंग करते हैं, ठीक है, ये आपका सोर्स पर एक सैंपल लिया जाता है, इस सैंपल को मैच किया जाता है। अब ये 200 BP, BP कोई यूनिट होगा इसका, साइज का या कुछ भी ऐसा, तो इस टाइप का आप कर भी चुके होंगे कि अब ये यूजुअली हम चेक करते हैं किसी भी अननोन सैंपल को टेस्ट करने के लिए, या फिर पेटर्निटी टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं कि पेरेंट्स का पता नहीं होता, अगर स्टूडेंट का बच्चा कंफर्म नहीं होता तो फिर वो टेस्ट कर सकते हैं पेरेंट के साथ। तो अगर बच्चा है तो बच्चे में मदर के भी कुछ एलील्स होंगे और फादर के भी कुछ एलील्स होंगे, हर एक बैंड हर एक एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो बच्चा है उसके सारे एलील्स फादर और मदर से आए होंगे, तो आधे आधे एलील्स दोनों से मैच कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या क्या थी, वही ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करने की टेक्निक थी, जिसमें हम एक जगह से जीन उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन लगा देते थे अपनी मर्जी का, और फिर वो जीन वहां पर एक्टिवेट हो जाता था, एंड देन आफ्टर इट्स एक्टिवेशन इट वुड कोट फॉर सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म दैट वुड नॉर्मली नॉट प्रोड्यूस दैट सब्सटेंस। फॉर इंस्टेंस, आप इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में डाल के इंसुलिन क्रिएट करवा सकते हैं, वही ह्यूमन वाली, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बता दी, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी जेनेटिकली इंजीनियर होते हैं, तभी तो जाके वो ऑयल को खा सकते हैं, वरना नॉर्मली वो ऑयल को डिकम्पोज नहीं कर पाते। एंड मेटल एक्सट्रैक्टिंग बैक्टीरिया भी जो है जेनेटिकली इंजीनियर होते हैं, लेकिन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये नेचुरल होते हैं। अगर आपको याद हो तो फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, अगर आपको याद हो तो उनमें क्लोरोफिल होता है, राइट, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी एनहांस्ड बाय एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, आपको अगर याद हो तो केल्विन साइकिल, अगर आपको याद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड राइबुलोज बाइफॉस्फेट आरयूबीपी के साथ कंबाइन हो जाता है। तो आरयूबीपी जितना ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन उतना ही ज्यादा होगा, राइट। रुबिस्को एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है। ए लेवल्स वाले भी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द बेस्ट ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन द लेबोरेटरी। अच्छा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स अपने प्रोड्यूस करने हैं, इनमें से बेस्ट आपको चूज करना है। अच्छा, आप ग्रुप ए अगर देखें तो इसमें प्लाज्मिड आ गया। पहले तो ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने का एक प्रोसीजर आप देख लें। उसमें बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले आपने जो भी जीन कहीं पर इंसर्ट करना होता है वो जीन निकालना होता है, आइसोलेट करना होता है, ठीक है। उसके लिए आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो तीनों में, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने, लेट्स अज्यूम इंसुलिन की बात कर लें, चलें। इंसुलिन में क्या होता है, आपने भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन सेल में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई किया और उस इंसुलिन जीन को आपने कट कर दिया, ठीक है। ये ह्यूमन डीएनए लिया, उसका वो जो सेक्शन है उसे कट कर दिया, ठीक है। फिर उस जीन को आपने लिया और उससे आपने एक बैक्टीरिया के प्लाज्मेट में आपने इंसर्ट कर दिया। बैक्टीरिया का प्लाज्मेट लिया आपने, उसे भी आपने कट किया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उसके भी कुछ स्टिकी एंड्स बन गए होंगे। उसके जो स्टिकी एंड्स होंगे वो इस स्टिकी एंड से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो दोनों कंबाइन होके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, आरडीएनए बना लेंगे, ठीक है। प्लाज्मेट का डीएनए और ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है उसका डीएनए, ठीक है। अब ये आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट जो आपका बन गया एज अ रिजल्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एप्लीकेशन, ये प्लाज्मेट, कुछ स्पेशल प्लाज्मेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके जो होस्ट सेल होता है, ठीक है, होस्ट सेल में जाके आप एम्बेड करा सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टिकी एंड्स की जो जॉइनिंग हुई है ना, इसके लिए, इस जॉइनिंग के लिए हमें एंजाइम लाइगेज चाहिए, ठीक है। लाइगेज तीनों में है अगेन, ठीक है। लाइगेज का काम क्या होता है भाई, आपका क्या कहते हैं, डीएनए बैकबोन को ज्वाइन करना, ठीक है। लाइगेज आपने डाल दिया, फिर इसको आपने इंसर्ट कराया। इंसर्ट कराने के बाद प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है, प्रोटोप्लास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मटीरियल को कहते हैं। होस्ट सेल तो आपको चाहिए ही होगा ना, या ट्रांसजेनिक जो भी चीज आपको चाहिए, जो ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करें तो ये प्रोटोप्लास्ट किसका होगा, प्लांट का होगा, ठीक है। ये आपने प्लाज्मेट लिया, लाइगेज लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रोटोप्लास्ट, ये आपका ऑप्शन ए, ग्रुप ए आपका बेस्ट चॉइस होगा। अब प्लास्टिड्स यहाँ भी है लेकिन यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो यहाँ वैसे ये मेथड भी हम अप्लाई कर सकते थे, ऑप्शन बी भी अप्लाई कर सकते थे, बट बेस्ट आपने चूज करना है तो बेस्ट आपका ए है, ठीक है। बी इस तरह से अप्लाई करते कि फिर उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर आप लगाते तो उसके लिए आपको एमआरएनए चाहिए था। एमआरएनए के बाद आपका डीएनए प्रोड्यूस होता, फिर डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का आपका काम यही है ना कि वो एमआरएनए से दोबारा डीएनए बना लेते हैं। फिर डीएनए बनने के बाद फिर वो डीएनए फिर प्लाज्मेट के साथ कंबाइन होता, फिर लाइगेज के साथ ज्वाइन होता, फिर प्लास्टिड्स कहाँ से आ गए, प्लाज्मिड चाहिए हमें, प्लास्टिड नहीं चाहिए, सॉरी ये नहीं हो सकता, ग्रुप बी नहीं हो सकता, प्लाज्मिड चाहिए, प्लास्टिड नहीं चाहिए, एंड इसमें तो प्लाज्मिड है ही नहीं, तो सही है, बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ही है, प्लाज्मिड, ये की टर्म आप भूलें नहीं, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं वैसे, एक एक टर्म से पकड़ना होता है। चूज द टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जीन थेरेपी। अच्छा, ऐसा कौन सा टर्म है जो जीन थेरेपी में इन्वॉल्व नहीं होता। रेट्रोवायरस जीन थेरेपी का पार्ट है, ठीक है। रेट्रोवायरस जीन थेरेपी का मतलब एक नई जीन आपने इंसर्ट कर दी है, तो रेट्रोवायरस है। सोमैटिक सेल्स भी हैं क्योंकि सोमैटिक सेल्स में ही जीन इंसर्ट होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अच्छा ये रेट्रोवायरस की जो एग्जांपल है ना, ये एडेनोसिन डीएमआईनेस एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एक आपको अगर याद हो एससीआईडी एक डिजीज होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें एडिनोसिन डीएमआईनेस की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको जो है उसकी डेफिशिएंसी, उसके लिए हम जीन थेरेपी कराते हैं। जीन थेरेपी में ये होता है कि बोन मैरो जो है उसका ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन कौन सा ट्रांसप्लांट भाई, वो वाला बोन मैरो जो कि ट्रांसप्लांटेड हो, जो कि मतलब ये एस जिसके अंदर वो वाला जीन हो जो कि एडिनोसिन डीएमआईनेस को प्रोड्यूस करा सके। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी चीज बची जो जिसका दूर दूर तक जीन थेरेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, वैसे आपको यहाँ ये दो ऑप्शंस देख के जो है ना कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप खुद सोच रहे हैं जीन थेरेपी से इसका क्या ताल्लुक होगा,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को ही कहते हैं, बेसिकली उस टाइप की एक होती है, वही बैंड्स बन जाते हैं, फिर बैंड्स को कंपेयर करना होता है. नाउ व्हिच डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस. अच्छा, इसकी एक लिस्ट आपकी बुक में दी हुई है कि एमनियोसेंटेसिस कौन कौन सी चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है. हार्ट डिफेक्ट्स बिल्कुल डिटेक्ट कर सकता है, कॉन्जेनाइटल अनोमलीज जो कि हार्ट की होती है एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट हो सकती है. हीमोफीलिया भी डिटेक्ट हो सकता है, ऑल्दो ये एक जेनेटिक डिजीज है बट स्टिल इट कैन बी डिटेक्टेड. अच्छा, इसके बाकी ऑप्शंस मेरे ख्याल से मैंने दूसरे पेज, हाँ ये रहे, टे-सैक्स डिजीज, ये भी आपकी जो है कंजेनाइटल डिजीज है एंड ये भी डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस जो है ना ये नहीं हो सकती. ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड यूजिंग एमनियोसेंटेसिस, सो दैट्स द बेस्ट आंसर. सिस्टिक फिब्रोसिस में CFTR जीन जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जो होता है ये वाला जीन, ये डेफिशिएंट हो जाता है, तो जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं उस म्यूकस में पानी कम होता है. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो होता है ये क्लोराइड चैनल्स के लिए कोट करता है, क्लोराइड चैनल्स की वजह से क्लोराइड आयंस जब सेल्स के म्यूकस के अंदर आते हैं तो वो क्लोराइड आयंस के पीछे पीछे वाटर भी आ जाता है, क्योंकि क्लोराइड तो इज अ सॉल्यूट एंड CFTR इज एक्चुअली द चैनल फॉर द क्लोराइड आयंस. तो जब क्लोराइड आयंस उस चैनल के थ्रू अंदर आएंगे तो उनके पीछे पीछे जब वो अंदर आएंगे, दिस इज अ सॉल्यूट राइट, तो वाटर भी इनके पीछे अंदर आ जाएगा और म्यूकस को जो है वो डाइल्यूट कर लेगा, उसे लेस विस्कस कर लेगा. ठीक है, बट ये म्यूकस का जो है ना ये उसमें पता नहीं चलता एमनियोसेंटेसिस में. एंड बाय द वे, ये याद करने वाली चीज है, CFTR का आपको पता होगा ऑलरेडी, आपने पढ़ा होगा, लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड यूजिंग एमनियोसेंटेसिस. इन फॉरेस्ट देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स ट्रीज श्रब्स हर्ब्स व्हिच व्हाट विल द पाम ट्रीज फेस इफ दे ग्रो इन द सेम फॉरेस्ट. अच्छा, पाम ट्रीज हैं तो हो सकता है कि उस फॉरेस्ट में पाम ट्रीज भी हो और हो सकता है कोई और स्पीशीज भी हो जैसे श्रब्स हर्ब्स वगैरह. अब वो कह रहे हैं कि अगर ये ट्रीज इसमें ग्रो करेंगे तो उनको इनमें से क्या क्या फेस करना पड़ेगा. एनवायरमेंटल कॉम्पिटिशन तो ऑफकोर्स होगा क्योंकि एनवायरमेंट में उनके और बहुत सारे प्लांट्स हैं. अच्छा, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कैसे कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहते हैं, इंट्रा मीन्स विद इन, विद इन द सेम स्पीशीज, मतलब इन पाम ट्रीज और दूसरे पाम ट्रीज के बीच में जो कॉम्पिटिशन होगा फॉर फूड, फॉर सनलाइट, फॉर वाटर, उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. और इंटर स्पेसिफिक कहते हैं कॉम्पिटिशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज. सही, तो ये तीनों चीजें जो है होंगी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर है. विच फैक्टर डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन वुड बी फ्लरिश एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. कौन सा जीन जो है वो पास होगा, ये तो नेचुरल सेलेक्शन से अगर आपको याद हो तो इट्स द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन व्हिच सेज दैट इट्स द एनवायरमेंट दैट सेलेक्ट्स और इट्स द नेचर दैट सेलेक्ट्स द ट्रेट दैट विल बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन और व्हिच सेलेक्ट्स द ट्रेट दैट वुड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इट्स एक्चुअली द एनवायरमेंट दैट नेचुरली सेलेक्ट्स इट. एंड विच एनिमल सपोर्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिजायरेबल वेरिएशन. अच्छा, ये एनिमल्स का पूछ रहे हैं यहाँ, ये स्पीशीज सर्वाइवल पॉपुलेशन, मेरे ख्याल से ये इन्होंने यही वाले ऑप्शन जो है यहाँ पर दोबारा कॉपी कर लिए हैं, लेकिन ये एक्चुअल एग्जाम में ऐसा नहीं होता. ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में इसके करेक्ट ऑप्शन थे, ये वाला आप छोड़ दें. ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, इसके करेक्ट ऑप्शन थे, ये वाला मैं उनसे क्या क्या जो है ना ये करेक्ट करवा दूंगा मैं इसे. ठीक है, यानी सुसेंस में क्या क्या करेक्ट करा दूंगा. एंड मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतने काफ़ी हैं, नेक्स्ट वीडियो सब कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.